हनुमान के टीजर में ऐसा बहुत कुछ है यू शुड हैव टू नो। जितना ज्यादा जानकारी उतना ज्यादा मजा, तुमको नॉलेज मिलेगा, मेरे को व्यूज मिलेंगे शायद। तो चलो उस सीन से शुरुआत करते हैं जिसका सबसे ज्यादा हाइप था, वो सीन जहाँ हनुमान जी बर्फ के सिलाब के अंदर बैठ कर राम राम का माला जप रहे थे। तो हो कुछ ऐसा सकता है जब अपना हीरो रक्त रतन लेगा तो उसे हनुमान जी की पावर मिलेंगी, या कहे तो हनुमान जी जैसी पावर मिलेगी। अब सवाल ये आता है, रक्त रतन है क्या? तो ऐसा हो सकता है कि रक्त रतन को मगध ध्वज से कनेक्ट किया जाए, जो एक्चुअली में हनुमान जी के बेटे होते हैं, जो उनके ही पसीने के बूंद से बने होते हैं। जब हनुमान जी लंका में आग लगा देते हैं तब आग बुझाने के लिए पूंछ अपना पानी पर डाल देते हैं, तब उनके पसीने की बूंद एक मछली पी लेती है और उससे जन्म होता है मकर ध्वज का। तो ऐसा हो सकता है फिल्म में कि उनके पसीने के बूंद को रक्त रतन का नाम दिया जाए और उसी को लेने से या उसी को धारण करने से हनुमान जी जैसी पावर मिलती हो। अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं जो एक्चुअली हिस्ट्री से कनेक्टेड हो तो काफी मजा आने वाला है गुरु, और रक्त रतन की शक्ति का अंदाजा भी मिल जाएगा। अब रक्त रतन एक मोती के फॉर्म में होगा, इसे हमने पोस्टर में भी देखा है और हनुमान जी के हाथ में भी देखा है। तो हम बात कर रहे थे हनुमान जी एक सिलाब के अंदर है और उनके हाथ में रक्त रतन भी है, और एक सीन पहले हम उसे पानी के अंदर देखते हैं, तो ये कैसे हो गया? तो हो कुछ ऐसा सकता है जहाँ हमने हनुमान जी के हाथ में रक्त रतन को देखा है तो वहाँ पर रक्त रतन को एक्सप्लेन किया जा रहा हो और हनुमान जी का वो सीक्वेंस उसी टाइम का हो, और फिर हमने देखा है रक्त रतन पानी के अंदर है। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि कई सदियां बीत चुकी है, ओवर द टाइम सब कुछ मेल्ट हो चुका है, जितने भी बर्फ के सिलाब थे, केव्स थे, वो सब मेल्ट हो चुके होंगे और रक्त रतन उसी जगह पे होगा जहाँ हनुमान जी रक्त रतन को हाथ में लिए हुए थे। वो जगह लुक वाइज पूरी चेंज हो गई होगी और अपना हीरो उसी जगह जा करके रक्त रतन को ले करके हनुमान जी की पावर उसको मिल जाएगी। अब आते हैं टीजर के दूसरे पहलू पे। टीजर को देख के पूरी वाइब एक गांव की लगती है, पर गांव के हिसाब से ये बंदा कौन है जो पूरा मॉडर्न लुक में है? थोड़ा अटपटा सा नहीं लग रहा? जहां सारे लोग धोती में हैं, साड़ी में हैं, पूरे गांव का वाइब आ रही है, हाँ ये बंदा अलग निकल के आ रहा है। तो ये कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उनका नाम है विनय राय, जो एक्चुअली ये माइकल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये माइकल रक्त रतन को हासिल करने के पीछे हो और अपना हीरो का साथ कुछ पंगा ले लेगा। पर एक सीन में हम देखते हैं किसी को लात पड़ रही है और वो दूर फेंकता ही जा रहा है। अगर हम उसके शर्ट पे गौर करें तो वो अपना हीरो ही है। तो हो कुछ ऐसा सकता है माइकल कोई चमचा हो या कोई छोटा मोटा गुंडा हो जो रक्त रतन के पीछे पड़ा हो, क्योंकि किसी नॉर्मल आदमी के लात से कोई इतना दूर तो नहीं फेंकाता है। तो इसमें एक और पावरफुल कैरेक्टर होगा इविल पर्सनालिटी का, जो प्रोबेबली ये सब के पीछे होगा और उसे भी रक्त रतन चाहिए होगा, और अपने हीरो और उसके बीच में एक घमासान फाइट देखने को मिलेगी। तभी तो मजा आएगा, दो पावरफुल कैरेक्टर आपस में लड़ेंगे, एक के पास है हनुमान जी जैसी पावर और दूसरे के पास, वो भी पता चलेगा। अब ट्रेलर आने पर भी और सारे क्लिप्स हमें देखने को मिलेंगे, तो और ज्यादा खुलासा इसका होगा और भी ज्यादा वीडियो बना पाऊंगा इसके ऊपर। मैं तो इसके लिए अभी से काफी एक्साइटेड हो गया हूँ, और साथ में इसका अधीरा भी आ रहा है उसके लिए तो और भी ज्यादा हूँ। एक में हनुमान जी की पावर देखने को मिली है, दूसरे में प्रोबेबली इंद्र भगवान की पावर होगी। तो बस यही था सारा मामला, तुम बताओ तुम हनुमान का ट्रेलर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो। तो इन्हीं सारे बातों के साथ, अगर तुमने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी जहां मैंने हनुमान के टीजर और आदिपुर के टीजर के VFX को कंपेयर किया हूं, तो इधर कहीं फ्लैश हो रहा होगा, जाके चेक कर लेना। तब तक के लिए देखते रहिए सिनेमैटिक बस्ट।